सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया होंगे, आई होप सो। तो अभी मैं व्लॉगिंग अभी से शुरू कर रही हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। तो मैं अभी चाय बना रही हूँ, ये देखो मैं अभी जस्ट चाय यहाँ पे बन रहा है, ये देखो। और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है, फ्रेश भी हो चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट भी हो गया, पूजा भी हो गया, सब कुछ हो गया है। तो अब बाकी है कुछ कुछ घर के काम नहीं है एक्चुअली। ये मुझे आज मॉर्निंग ड्यूटी से, मतलब कल नाइट शिफ्ट थी मेरे हस्बैंड की, तो वो अभी जस्ट आए हैं, तो ये सारा वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आए हैं और उसे अभी मुझे वॉश करना है, सबको सैनिटाइज वगैरह करना है। ये देखो कैसे पड़ा है बाहर, तो इसमें इस वाले में सारे वेजिटेबल्स है, मैं वॉशिंग मशीन भी लगा दी हूँ, देखो ये वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े भी धुल रहे हैं। ये लो आपकी चाय, रख दे यार टेबल पे। तो मैंने अपने हस्बैंड को चाय दे दी है। तो मैंने ब्रेकफास्ट आपको बताया कि हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका था, तो ब्रेकफास्ट के बाद मेरे हस्बैंड को चाय बहुत ही मस्त होती है, मतलब उन्हें चाय तो चाहिए ही चाहिए और मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो इसलिए बस आ गई हूँ उन्हें चाय देकर ये बाहर सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को वॉश करने के लिए। मतलब ये हमारा रूटीन ही है, मतलब मेरे हस्बैंड का एक्चुअली ये रूटीन है कि जब भी वो मतलब अपने नाइट शिफ्ट से आते हैं मॉर्निंग में घर, तो ये हमेशा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को लेकर ही आते हैं। और कोरोना की वजह से अभी मेरा काम भी बढ़ गया यार, मतलब जब भी ये लेकर आते हैं ना ये सब, तो बिना वॉश किए तो घर के अंदर मैं लाने ही नहीं देती हूँ, मतलब बाहर पहले वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद ही जाकर उसे घर में लाती हूँ। वो तो आप देख ही रहोगे। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना यार, यहाँ का तो वेदर हमेशा ही इतना ज़्यादा गर्मी होती है ना यहाँ पर कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। और पता है नल से तो ऐसा पानी आ रहा है ना, जैसे लग रहा है कि कितने गर्म गर्म पानी आ रही है वहाँ से, लग रहा है किसी ने गीज़र लगा दिया हो, इतना ज़्यादा गर्मी है। और ये दूसरी तरफ देख लो, धोबी की धुलाई चल रही है, बिल्कुल मतलब ऐसे घुमा घुमा कर, जैसे घाट पे होती है ना धुलाई, वैसे कपड़ों की धुलाई चल रही है। राम पता यार क्या हो गया, ये दिख रहा है ये रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं बनाई ना वो ठेकवा बनाते वक्त मैं ये ऑयल का यूज़ की थी, और ये देखो मैं ऐसे ही रख दी थी यहाँ पे रबर बैंड लगाकर, और ये देखो ये पूरा फैल गया, ये फैल कर पूरा शिट यार, मतलब ये देखो यहाँ देख रहे हो ये कितना नीचे तक आ गया है, पूरा ये नीचे तक पूरा बह गया है, ये देखो यहाँ तक ही, ये जगह पर भी देखो पूरा बह गया नीचे शिट। ये देखो मैंने न्यूज़पेपर लगा रखा था नीचे, वो भी चला गया, पूरा गंदा हो गया शिट यार, पूरा गंदा हो गया यार पूरी तरह से, पूरा वो सेल्फ है ना, और ऊपर से इतना वेस्ट भी हो गया पूरा ऑयल। मतलब मैंने यूज़ करने के बाद फिर उसे ऐसी रबर बैंड जस्ट लगा कर रख दी थी ये ऑयल को, तो मुझे लगा कि शायद मतलब ठीक है वैसे रह जाएगा ये, बट शायद ना वो टेढ़ा होकर के थोड़ा वो गिर गया, और मैं फिर ध्यान ही नहीं दी, मतलब दोबारा फिर जाकर वहाँ पे चेक भी नहीं किया मैंने कि मतलब वो सही से रखा भी है या नहीं। मैं सोची बाद में उसे फिर यूज़ करना ही है तो फिर बॉटल में डाल दूँगी, लेकिन यार रह गया वैसे ही वो और पूरा गिर गया। ये देखो ये गमला भी मैंने अरेंज करके रखा है वो पौधे को लगाने के लिए, बट अभी तक मैं लगाई नहीं हूँ क्योंकि मुझे मतलब टाइम नहीं मिला है इसलिए। ये देखो ये गमला है, तो उसे भी मैं लगा दूँगी, शाम तक लगा लूँगी। तो ये देखो कितने सारे कपड़े भी हमें देने हैं प्रेस करने के लिए, ये देख लो कितने सारे कपड़े हैं। कितने दिन से पड़ा हुआ था ना? क्या वन मंथ, एक महीने से कपड़े पड़े हुए थे जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। कोरोना में ऐसा काम करो ना। और बाहर भी पड़ा हुआ है ना कपड़ा, वो भी उठा के ले आओ। और हमें वाटर कैंस भी लाने हैं, वो भी खाली हो चुका है तो वो भी भरना है। ये देखो ये दो कैंस खाली हैं, इन्हें भी भरने जाना है। तो अभी बहुत सारे काम हैं, पता है ये सब काम तो मेरे लिए जस्ट एक बहाना है, मतलब सीरियसली मैं ना मतलब दो ढाई महीने से मैं घर से निकली नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मतलब अपने घर के कैंपस में ही रहना, घर के बाहर भी नहीं, तो आज दो ढाई महीने के बाद मैं बाहर निकल रही हूँ घर से बाहर और ये सब सारे काम करने जा रही हूँ, तो जस्ट एक बहाना लेकर ही जा रही हूँ। मतलब आज इतने दिन के बाद देखने को मिलेगा बाहर का माहौल कि कैसा है,
मतलब घर के सामने तो हमारा घर का माहौल जो भी है पास वाले एरिया में वो तो काफ़ी शांति है, मतलब कोई लोग ही नहीं दिखाई देते, बट आज मेन रोड तरफ हम लोग जाने वाले हैं तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या है सिचुएशन। ये बैग में हमने कपड़े रखे हैं वो प्रेस करने के लिए देना है, ये वाटर कैंस रखे हैं इसमें वाटर लेकर आना है। जहाँ भी हम लोग देते हैं कपड़े तो वो जस्ट मेरे घर के पीछे साइड में ही है, मतलब जस्ट बगल में ही है, तो हम दोनों वॉकिंग करके ही जा रहे हैं। हाँ अच्छा, क्या चीज़, ये देखो ये साइड से व्यू है हमारे घर का, और ये देखो ये आंटी जो खड़ी है ना, ये सामने में ये जो आंटी खड़ी है ना, बस तो पता है गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे ना लोगों को, मैं ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखती हूँ ये शाम के वक्त ना लकड़ियों पे ही पानी गर्म करते हैं और नहाते हैं। तो ये देखो ये सामने आंटी जो है ना ये भी वही कर रही है, इकट्ठे कर रही हैं सारी लकड़ियाँ और पानी इस पतीले में गर्म करेंगी। రేపు కదా సరే 17 కార్ కంప్లీట్ काम पे सबको ना पूरा तेलुगु में ही बोलते हैं, तो इसलिए मैं बहुत कम ही कम्युनिकेट करती हूँ, ज़्यादा इन्हीं को ही आगे बढ़ाती हूँ कि जाओ आप ही पहले बात कर लो क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता है ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही समझ पाती हूँ, इनको बहुत ज़्यादा मतलब 60% आता है समझ में। तो अब हम जा रहे हैं ये वाटर कैन तो ये देखो वाटर कैन लेकर लेने जा रहे हैं। अब रुक जाओ यार, अब चल ले। देख लो क्या सन्नाटा है यार, मतलब इकलौते हम ही लोग ही है, देख लो क्या सन्नाटा छाया पूरा। तो आपका ध्यान ज़रूर जाता होगा जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तो यहाँ पे क्या लगाती हूँ, तो ये है एक्चुअली, ये मतलब मैं एक क्या कहते हैं उसे, जुगाड़ू बोलते हैं ना, मैं जुगाड़ू बन गई हूँ थोड़ी। तो ये एक्चुअली मेरा ये क्या है ना कि ये ईयरफोन है, और ईयरफोन में एक्चुअली क्या होता था कि पहले जितने भी मैं व्लॉग्स बनाती थी तो उसमें वॉइस अच्छे नहीं आते थे, तो मैं सोचती कि भाई अब तो कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास जो ब्लूटूथ वाला ईयरफोन था वो वाला मैं जब भी लगाती हूँ तो उसे वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का नहीं आ पाता है, तो इस वजह से मैं सोची कि चलो ये वाला ही जुगाड़ लगा लेती हूँ। तो ये मेरा बेकार सा ईयरफोन पड़ा हुआ था, बट उसका अभी भी ये ढंग के हाल में है, मतलब काम चलाओ तो बहुत अच्छा ही, अभी मतलब बुरे वक्त में तो यही काम आ रहा है, अगर कुछ नहीं मिला तो बस इसी से काम चल रहा है। तो ये देखो ये टूट चुका है यहाँ से, इसका एक ये है और एक ये वाला गायब है, तो मतलब तो आप देख ही रहे होगे कि कितना हाई लेवल की मैं सेविंग कर रही हूँ, मतलब पूरे 60 रुपए खर्च करके सब खरीदी हूँ यार। मतलब ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगी, तो मतलब इसके आखिरी सांस तक, इसके जब तक सांसें चलती रहेगी ना तब तक इसे यूज करना ही करना है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए मैं अभी इसे यूज़ कर रही हूँ, और मतलब ऐसे इसको ऐसे ये कान में तो यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ यूज़ बर्ड्स को डालती नहीं हूँ, हाँ बट ये इसका स्पीकर जो है, यहाँ पे माइक जो है ये काम करता है, तो इसीलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो फाइनली मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और रात के बज चुके हैं 12, तो मैं अब जा रही हूँ सोने। और ये देखो मैंने ये कब से ये दूध ला कर रखा था, और ये मैं सोची थी कि थोड़ा हल्का जब गर्मी रहेगी ना तभी पी लूँगी, लेकिन ये देखो पूरा एकदम जम सा गया है, तो मतलब पूरा ठंड हो गया यार, ऊपर में पूरा मलाई जम गया है। और बट फाइनली अब तो सोना है, 12 बज चुका है, तो आपसे मिलती हूँ अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी करना।